उत्तराखंड में जमीन खिसक चुकी है, पंजाब में इनको जगह ही नहीं है, तो ये घबरा गए हैं, भयभीत हो गए हैं। हिंदी वासी क्षेत्रों को कब तक आप मूर्ख बनाइएगा, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। और आज वो ब्राह्मणों का ब्रह्म हत्या का हत्या रहा, आज 44 योजनाएं क्या लागू हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दी। अरे बाप रे बाप, उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा जाहिल, उतना बड़ा गवार चीफ मिनिस्टर पहली बार हुआ। दुनिया में सब कुछ लोग भूल सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में जो पैरासीटामॉल के अभाव में जिसके घर में मौत हो गई है, वो भाजपा वालों को कच्चा चबा जाएगा। तो सैया भयो कोतवाल, अब डर काहे का, बेचारे सिपाही और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ACP क्या करेंगे भाई, उनको तो नौकरी करनी है, जो ऊपर से आदेश होगा वही उसका अनुपालन करेंगे। कि SHO अगर ईमानदार हो जाएगा ना, तो कोई पाकिटार मंदिर से किसी का पाकिट या मंदिर से एक चप्पल भी नहीं उठा सकता। जंतर मंतर पर जिस तरह से हंगामा हुआ और मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर जिस तरह से नारे लगाए गए, जयप्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको बनारसी चाचा के नाम से आप जानते होंगे, अक्सर आपने इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा। पूरा अति संवेदनशील इलाका है, पार्लियामेंट से 500 मीटर की दूरी पर इस तरह की हरकत होती है, बिना परमिशन के कोई एक्शन नहीं लिया जाता और वो यहाँ से चले जाते। दरअसल आप क्रोनोलॉजी समझिए, किसान आंदोलन से भयभीत हो गई है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार। उत्तर प्रदेश का चुनाव सब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का चुनाव है, जहां से 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, वहां इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, उत्तराखंड में ज़मीन खिसक चुकी है, पंजाब में इनको जगह ही नहीं है, तो ये घबरा गए हैं, भयभीत हो गए हैं। हिंदी वासी क्षेत्रों को कब तक आप मूर्ख बनाइएगा, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। रोजगार की बात आप नहीं करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश के लोग गंगा में बहती हुई तैरती हुई लाशों को भूल जाएंगे? क्या वहाँ पे जो कब्र में दफन की गई थी लाशें गंगा के किनारे, उसको भूल जाएंगे लोग? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पेंगांग झील को चाइना के हाथों बेच दिया, भूल जाएंगे लोग? हमारे 20 जवान शहीद हो गए, भूल जाएंगे लोग? आज पेगासस से आप जासूसी करवा रहे हैं, जो आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इतने तनिक भी लज्जा होती माननीय प्रधानमंत्री के पास, तो कम से कम पुलवामा अटैक तो नहीं हुआ होता। प्रधानमंत्री ने तो योगी को क्लीन चिट दे दी, JP नड्डा भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से डील किया है योगी आदित्यनाथ ने कोविड को, इतना अच्छी तरह से। तो गंगा नदी अफ्रीका में नहीं बहती हैं, पाकिस्तान में भी नहीं बहती हैं, उत्तर प्रदेश होकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, इसको मानते हैं आप? कानपुर में गंगा बहती हैं तो कानपुर इजराइल में नहीं पड़ता है, ना फ्रांस में पड़ता है, इलाहाबाद फ्रांस में नहीं है, अरब में है। बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, जहां आप बरसात में तैर सकते हैं रोडों पर। तो आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, क्वेटा बना रहे थे बनारस को, अरे टोयोटा नहीं, अब क्वेटा हो गया, क्वेटा। वहां सड़क में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, विकास के नाम पर एकदम, जहाँ रूरल एरिया में जहाँ, अभी तो इनके कृषि मंत्री के साथ उन्हीं के क्षेत्र की जनता ने जो बर्ताव किया है, दुनिया ने वीडियो देखा है, तो कम से कम इस सरकार की जमीन खिसक चुकी है, इस सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है, किसानों के मुद्दे पर, श्रमिकों के मुद्दे पर। हिंदुस्तान को एक काम किया है कि हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से दिवालिया बना दिया है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। किस मुँह से प्रधानमंत्री 15 लाख की जुमलेबाजी देंगे, 2 करोड़ की पकौड़ा उद्योग करो, जूता पॉलिश उद्योग करो, MBBS करके, इंजीनियरिंग करके और तमाम तरह के पढ़ाई करके जूता पॉलिश करेगा? हाँ, किसान आज 8 महीने से पड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती इस देश में,
तो किसान 8 महीने से पड़े रहते, किसानों की संसद लगती, आप बताइए। तो कह रहे हैं किसान पॉलिटिकल कर रहे हैं, पूरा कांग्रेस की वजह से कर रहे हैं, सारे इनके मसले हल कर दिए गए हैं। आप बताइए, कांग्रेस के 54-55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आइए 303 लेकर के बैठे हुए हैं, कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही है। पेगासस पर जासूसी मामले पर काहे नहीं डिस्कस कर लेते हैं, किसानों के मुद्दे पर काहे नहीं डिस्कस कर लेते हैं, आप अर्थव्यवस्था पर क्यों डिस्कस से भाग रहे हैं, आप बेरोजगारी पे क्यों डिस्कस से भाग रहे हैं। भाई पार्लियामेंट में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो पार्लियामेंट में ही डिस्कस करेंगे ना, वार्तालाप पार्लियामेंट में होगा ना, आखिर किसी चाय की दुकान पर होगा, आप ही बताइए। योगी ने बड़े बड़े विज्ञापन निकाले हैं कि 44 योजनाएं लागू कर दी गई हैं, देश जो प्रदेश जो है नंबर वन बन गया पूरे देश में। अब भगवा वस्त्र पहनने वाले सन्यासियों पे हिंदुस्तान की जनता विश्वास करना छोड़ देगी, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, और नहीं तो वही योगी आदित्यनाथ हैं, यही भारत की संसद में विधवा आलाप किए थे कि पुलिस से बचाइए हमको मार डालेगी, और आज वो ब्राह्मणों का ब्रह्म हत्या का हत्यारा, आज 44 योजनाएं क्या लागू हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, 2 करोड़ लोग रोजगार दे दिए। अरे बाप रे बाप, उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा जाहिल, उतना बड़ा गवार चीफ मिनिस्टर पहली बार हुआ भाजपा में। सब जानते हैं यही सब करके जीत जाएंगे, हमेशा जीतते रहे, हिंदू मुस्लिम करके, अपनी योजनाएं बता करके, झूठ बोल करके, वो सब चल रहा है। अब भी ये देखने में आ रहा है कि यहाँ आकर के जिस तरह से नारे लगाए जाते हैं, हिंदू हिंदू की वजह से वोट दे रहा है और मुसलमान जो है उसको बिल्कुल एक साइडलाइन कर दिया गया। देखिए पुष्पेंद्र कुमार जो है आरएसएस का वो जोकर है, जोकर जैसे हो, कौन स्वामी है एक गाजियाबाद वाला, यतेंद्र स्वामी, अरे इन लोगों को जनता के बीच पहुंच जाए अकेला बिना सुरक्षा में, जनता इनको वो दवाई करेगी कि दोबारा अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म करेंगे जनता के बीच। भारत की जनता बहुत बखूबी निपटना जानती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदुस्तान की समस्या है, इसी पर तो वोट देते चले आ रहे हैं। अब नहीं देगा, अब नहीं देगा, दुनिया में सब कुछ लोग भूल सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में जो पैरासीटामॉल के अभाव में जिसके घर में मौत हो गई है वो भाजपा वालों को कच्चा चबा जाएगा, वोट देगा, किसका वोट लोगे तुम, ब्राह्मणों का वोट तुम्हें मिलेगा नहीं, मुस्लिम तुम्हें वोट देने नहीं जा रहा, बैकवर्ड तुमको वोट देने नहीं जा रहा, छात्र तुमको वोट देने नहीं जा रहा, 2 साल से आपका स्कूल कॉलेज बंद है, फीस लगातार तो रिजर्वेशन कर दिया उसकी वजह से, बैकवर्ड को रिजर्वेशन दे दिया, कहाँ रिजर्वेशन दे दिया भैया, सुना हूँ 12% कटौती कर दिया और रिजर्वेशन दे दिया, कहाँ किस पार्लियामेंट में पास किए हैं तुम बता दे, ऑर्डिनेंस लाए हों कहाँ पास किए हैं दोनों, मेडिकल में क्या है ना वो भी एक जुमला होगा, अमित शाह जी कहेंगे ये भी एक जुमला था, ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव के बाद ये चुनावी झुनझुना है, चॉकलेट है, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। तो ये बताइए मुसलमान इतना सॉफ्ट टारगेट हो गया है, ये कोई भी आए बकवास करे, कल जिस तरह के नारे लगे मुल्ले काटे जाएंगे यहीं पर पार्लियामेंट से 500 मीटर की दूरी पर, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अच्छा ये बताइए जो पुलिस कमिश्नर हैं ये भी तो राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं, अमित शाह जी के खासम खास हैं, तो सैया भयो कोतवाल अब डर काहे का, बेचारे सिपाही और इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर एसीपी क्या करेंगे भाई, उनको तो नौकरी करनी है, जो ऊपर से आदेश होगा वही उसका अनुपालन करेंगे। ये वर्दी, मैं भी वर्दी किसी ज़माने में पहनता था इंडियन आर्मी की, हमारा सीओ कहता था इस पेड़ को गिरा दो तो गिरा दो, पूछना पाछना नहीं है, वही हाल इन लोगों का है, यूनिफॉर्म की नौकरी बड़ी बहुत विकट परिस्थितियों से। देखिए हर पुलिस वाला भ्रष्ट या बेईमान नहीं होता, लेकिन अगर कुछ हो गए हैं तो उनको सुधारा जा सकता है, यहाँ तमाम पुलिस वाले हैं बड़ा अच्छा बिहेव है जनता के साथ और लोगों के साथ, बहुत अच्छा बिहेव है, उनकी लोग तारीफ कर रहे हैं, हम लोग भी लगभग 250 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कांग्रेस के तमाम MPs बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ कोई पुलिस का जो है दुर्व्यवहार नहीं हुआ, तो हम कैसे कह दें,
देखिए तो ऊपर के अधिकारी अगर ठीक हो जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि SHO अगर ईमानदार हो जाएगा ना तो कोई पाकिटार मंदिर से किसी का पाकिट या मंदिर से चप्पल भी नहीं उठा सकता। मैं आपको बता रहा हूं, ये भ्रष्टाचार की जननी भाजपा है और इस देश में भ्रष्टाचार की पहली कहानी 1977 से पैदा हुई जब जनता पार्टी की सरकारें बनी, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे। तो आप इसको भली भांति जान लीजिए कि अब इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, अब इनको हिंदू मुस्लिम करें, भारत पाकिस्तान करें या कुछ करें, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, शांतिपूर्ण ढंग से जो उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव है, पंजाब का, उत्तराखंड का, वो शांति से निपट जाए, हमारे पैरामिलिट्री के या मिलिट्री के कोई जवानों के साथ कोई घटना न घटे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, परमात्मा से। आपको लगता है हो सकता है ऐसा? हो सकता है भाई, पुलवामा लोकसभा के पहले ही हो गया था, आपका सुकमा हुआ था बिहार चुनाव के दौरान, हरियाणा चुनाव के दौरान कमलेश तिवारी की हत्या उत्तर प्रदेश में हो गई, तो उनकी माता जी को सद्बुद्धि ईश्वर ने दिया, उसने साफ कहा कि कोई मुस्लिम ने नहीं मारा, उनकी माता जी ने आकर के प्रेस किया है, ब्रीफ किया। तो मुसलमानों की भाई, हमने कहा कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, जब मुख्यमंत्री कुर्सियाँ से उतर जाएंगे ना तो वही पैदल हो जाएंगे, आप देख लीजिए। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।